पंचायत समिति गिरवा के लिए सबसे पहले मैंने रखा है कि हमारी जो पंचायत समिति गिरवा है, हेडक्वार्टर की पंचायत समिति है, तो सबसे पहले मैं उसका डेवलपमेंट करना चाहती हूँ। और कुछ हमने लास्ट ईयर भी किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, एक तो जो पंचायती राज ने हमें पांचों डिपार्टमेंट दिए हैं उनके ऑफिस बेसिकली मैं अपने यहाँ पर पंचायत समिति पर ही रखना चाहती हूँ, तो उसमें एक तो वो बनवाएंगे और एक दो हमारे मीटिंग हॉल हैं जो हम ज़रूर बनवाना चाहेंगे, और इसी जो ये 2012 चल रहा है इसके अंतर्गत ही कम्प्लीट रहेगी। ये तो पंचायत समिति का हो जाएगा हमारा डेवलपमेंट, और पंचायत समिति गिरवा के अंदर जितनी भी 48 पंचायतें हमारी आती हैं उसके अंतर्गत सबसे पहले तो हमने गाँव को निर्मल और स्वच्छ रखने के लिए 20 जो पंचायतें हमारी वो सेलेक्ट किए निर्मल ग्राम के अंतर्गत, उसके अंतर्गत हम खुद लगे हुए हैं, हमारे सचिवों को एक्टिव कर रखा है, सरपंच साहिबान और मेन जो हमारे कार्यकर्ता उनको एक्टिव करके सभी को उसकी महत्ता बताइए ताकि वो निर्मल ग्राम की महत्ता को समझें और अपनी पंचायत का विकास निर्मल ग्राम के रूप में करें, ताकि एक हमारी सरकार ने पुरस्कार भी रखा है उसका 5-5 लाख रुपए उसको मिलेगा और गांव अच्छा निर्मल और स्वच्छ भी बन जाएगा। तो एक तो मेरा ये प्रोजेक्ट है, दूसरा बालिका शिक्षा TSP एरिया है, ट्राइबल एरिया है, तो उसमें काफ़ी कम है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाए हैं और हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ पर स्कूल की सुविधा नहीं हो सकती वहाँ पर हमने एक नया चालू किया है, शिविर विद्यालय नाम से हमने चालू किए हैं, जिसके अंतर्गत बालिकाओं और बच्चों को हम पढ़ाएंगे और सभी जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनमें हरित राजस्थान के तहत अच्छा प्लांटेशन करेंगे। मिनिमम एक स्कूल में 10 पौधे लगाना हमने कंपलसरी कर रखा और जिसकी जैसी बाउंड्री के हिसाब से उसमें हम प्लांटेशन करवाएंगे। इसी तरह से विभिन्न योजनाओं का अच्छे से अच्छा लाभ हमारी पंचायत समिति को मिले और डेवलपमेंट अच्छे से अच्छा हो। 2013 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे लोगों के पास, वर्कर्स एक्टिव नहीं है, काम नहीं हो पा रहे हैं, लोगों के करप्शन है, इसका अंदाजा एक तरह से उसको करप्शन को चेक करने के लिए आपने क्या किया? आपने सबसे बोला कि ये 2013 में विधानसभा के चुनाव में काम नहीं हो पा रहे, तो ये तो अगर कोई कहता है तो बहुत गलत है। हमारी सरकार ने, आप देखें, 2 रुपये किलो वाला BPL को मुफ्त में अनाज दिया है और मुख्यमंत्री ग्रामीण BPL आवास योजना लागू करके सभी को 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं और सब मुख्यमंत्री साहब ने हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लागू करके दवाइयाँ मुफ्त में दिए, माँ जननी शिशु सुरक्षा योजना, हेपेटाइटिस भी, इस तरह की अनगिनत योजनाओं का लाभ दे के सरकार, मुझे तो नहीं लगता है कहीं कोई कमी छोटी, बहुत अच्छा विभिन्न तरह की योजना ला के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अच्छा विकास किया है, डेवलपमेंट में कहीं कोई कमी नहीं। बाकी रही बात करप्शन की, मुझे ऐसा नहीं लगता कहीं करप्शन, अगर करप्शन होता तो ये सब जो योजनाएं इनका इम्प्लीमेंट इतने अच्छे से रहा सब फेलियर हो जाती, अच्छे से चल रही हैं। आप देखें जो मुख्यमंत्री मुफ्त दवा वितरण योजना है उसके अंतर्गत ही आउटडोर आपका 2 से 3 गुना बढ़ गया है, तो ये सब करप्शन नहीं है इसलिए सब कुछ हो रहा है, बाकी करप्शन है ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता। आप मानते हैं जो करप्शन है पंचायत में गिरवा में? करप्शन हमारे यहाँ, मेरा करप्शन नहीं, मैं सब, हम बहुत ही लीगल और साफ तरीके से काम करते हैं, जो भी नियमों में कायदों में आता है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो करप्शन तो मेरे उस पर नहीं। 20 पंचायतें कौन सी सेलेक्ट की आपने? 20 नाम बताएं, बता दें तो स्कॉलरशिप से दे देंगे। तो 20 पंचायतों में सबसे पहले है डोडावली बछार, अलसीगढ़, बारापाल, काया, सरू, पडुना, चनावदा, अपना तितड़ी, डाकन कोटड़ा, कल्लड़वास और हमारा झामाकोटा, चांसदा, फीदा कुराबड़, बम्बोरा और देबारी, साखरोदा और हमारा देबारी साखरोदा हो गया और एक दो पंचायत अलसीगढ़ और इधर की नाई सिसार माबूदड़ा। निर्मल ग्राम योजना है क्या, उद्देश्य क्या है? निर्मल ग्राम योजना सरकार की बहुत अच्छी योजना है, इसके अंतर्गत सबसे पहले तो गांवों को उसी पंचायत को पुरस्कार मिलेगा जो बिल्कुल स्वच्छ हो, स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा गया हो, जहां पे ड्रेनेज सिस्टम सबसे अच्छा हो, नालियों का निकास अच्छा हो, पक्की सड़कें हों, गंदगी नहीं हो, सब जो भी पूरे गाँव में शौचालय बने हों, हर घर में एक शौचालय बना हो और सुलभ शौचालय जो अपने गांवों के अंतर्गत हों वो भी बनाए जाएँ, ताकि गांवों में किसी तरह की गंदगी नहीं हो, बाहर जो जाते हैं लोग
मलमूत्र करने, तो वो सब अपने घर में करें। इसीलिए निर्मल ग्राम योजना लागू करके गांवों को स्वच्छ और सुंदर बनाने की योजना लागू। इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, जिला परिषद वाले फंड्स अलॉट नहीं कर रहे हैं, स्टाफ को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सीए जैसे अपने से किया करते हैं। नहीं, हमारी तो जो 20 सेलेक्ट हुई है ग्राम पंचायत है उसमें तो बजट आ रहा है, हम लोग काम भी करवा रहे हैं। चौहान साहब आ रहे हैं देखते हैं। हाँ, चौहान साहब परसों आए थे, परसों आए थे। हमने एक हमारी पंचायत है कुराबड़, उसको जिला लेवल पर सेलेक्ट करने के लिए भेजा हुआ, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारी पंचायत है कुराबड़, बहुत ही अच्छा काम हुआ निर्मल ग्राम योजना के तहत, तो हम चाहते हैं कि उसको पुरस्कार मिले।